हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीएस नेहा पटेल और आज है डे टू ऑफ गेट योर रैंक विद नेहा पटेल। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, विच इज व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडी। है ना, हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है, आई गेस ये रैंकर्स के साथ होता है, जो लोग नहीं पढ़ते उनके साथ होता है, एवरेज स्टूडेंट्स के साथ होता है, कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि मन ही नहीं करता पढ़ने का। सो इस वीडियो में हम एकदम इन डेप्थ डिटेलिंग में जाने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या सोल्यूशंस हैं। बिकॉज इस चीज़ से तो आप बच नहीं सकते कि भाई ऐसा कभी हमें फील ही ना हो, दिस इज इम्प्रैक्टिकल। बट इससे डील करने के जो तरीके हैं वो सबके अलग होते हैं। सो रैंकर्स कैसे इससे डील करते हैं, इसको ओवरकम करते हैं, वो हम इस सीरीज में देखेंगे। आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जैसे कि मैंने कहा, हम एकदम इन डेप्थ में जाने वाले हैं कि भाई पढ़ने का मन करता क्यों नहीं है। बिकॉज समझो, अगर आपको बहुत अनइजी फील हो रहा है और आपको समझ में आए कि अच्छा ये बीमारी है, सो आप क्विकली दवा लोगे और ठीक हो जाओगे। सिमिलरली क्या हो रहा है ना, अगर आपको समझ में आ जाए कि यार मुझे पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है, तो क्विकली आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे। तो मैं अभी आपको ब्रॉड रीजंस बताने वाली हूँ कि क्यों हमें पढ़ने का मन नहीं करता। आई होप यू कैन रिलेट विथ मी, बिकॉज ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि यही सब रीजन से मुझे कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता था। सो क्या होता है ना, कभी कभी हमारा, समझो हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आप सिंगल हो तो आपके फैमिली में या दोस्तों से कभी झगड़ा हो गया, ऊंच नीच हो गया, तो हमारा पूरा दिमाग वहीं पे चलता है, हमारा पूरा फोकस फिर वहीं पे घूमता रहता है कि उसने मुझे ऐसा कहा कैसे, यार मैं क्या करूँ, उसको ब्लॉक कर दूँ क्या, उसको कॉल करूँ क्या, टेक्स्ट करूँ क्या, वो भी क्या कर रही होगी, वो भी क्या कर रहा होगा। मतलब इसी सब में हमारा माइंड घुमा रहता है, इन्वॉल्व रहता है, और पढ़ाई करने का तो सवाल ही नहीं उठता ऐसे टाइम पे, फिर हमें मन नहीं करता। एक ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये हो सकता है कि हम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं, इसलिए हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फ्रेंड यूज़ टू से मी कि नेहा यार मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस आउट फील कर रही हूँ, इसी बहाने मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं ऐसा, तू स्ट्रेस फील कर रही है इसलिए तो कुछ पढ़ नहीं रही है, उल्टा और पढ़ना चाहिए ना ऐसे टाइम पे। तो शी वॉज लाइक, नहीं ऐसे टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, जब हम और बहुत डरे हुए रहते हैं, जब हमको बहुत स्ट्रेस आउट फील होता है। और थर्ड रीज़न क्या हो सकता है कि यार हम बहुत लेजी फील कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई ना डेज ही वैसे होते हैं कि हम बहुत लेजी फील करते हैं, हमको बहुत नींद आ रही होती है, शायद भूख लग रही होती है। सो ये रीज़न की वजह से हम पढ़ते नहीं हैं। अब आप मेरे को बताओ, ये जो मैंने तीनों रीजंस बताए, ये क्या आपके कंट्रोल में है, ये तीनों रीजंस क्या आपके हाथ में है? नहीं ना यार, जैसे प्यार हो जाता है वैसे झगड़ा भी हो जाता है, तो अब हम इसको कैसे कंट्रोल में करें कि यार झगड़ा ही नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ में, कोई झगड़ा ही नहीं करना। यार वो तो पॉसिबल नहीं है, झगड़े तो होने वाले हैं। आप कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे डर ना लगे, मुझे स्ट्रेस फील ना हो? कभी ना कभी तो आपको डर लगेगा ही, कभी ना कभी आप भी स्ट्रेस फील करोगे। आप कैसे अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो कि मुझे लेजी फील ना हो? कितनी भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी तो लेजी फील होने ही वाला है। सो ये सब फैक्टर्स तो आपके हाथ में नहीं है, ये सब तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे इन सब की वजह से हमें फर्क ही ना पड़े? ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं करती हूँ, ऐसे बहुत लोग करते हैं कि कुछ भी हो जाए आपके सराउंडिंग में, बट आपको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और अगर फर्क पड़ेगा तो भी उससे बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। एक ऐसे समझ लो कि एक आपने प्रोटेक्शन शील्ड फैला हुआ है कि कुछ भी आपके तरफ आ रहा है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप बस अपना पढ़ाई कर लो। ऐसा कुछ हो जाए तो कमाल का हो जाएगा, तो आपकी पढ़ाई एकदम स्मूथ हो जाएगी, आपको एकदम ईजी लगेगा पढ़ना, रैंक लाना फिर आपके लिए विल बी लाइक वॉकिंग ऑन द केक। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा आप कैसे कर सकते हो, वॉट आर द वेज जिससे आपको आउटर सर्कमस्टेंसेज से कुछ फर्क ही ना पड़े, एंड इनर सर्कमस्टेंसेज से भी, एंड आप बहुत जल्दी डील कर पाओ, और जब कभी आपको पढ़ने का मन ना करे तो आपको क्या करना चाहिए। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगती है वो ये है कि आप अपने विजन को याद करो, आप आपके गोल को याद करो। यू नो, आपका कुछ विजन होगा, कुछ मिशन होगा, कुछ गोल होगा। जैसे मेरा विजन ये है कि मुझे अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करना है, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना है, कोई भी चीज़ को बचा के नहीं रखना है। सो ये मेरा विजन है। तो मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था तो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं बुरी चीज़ एक्सप्लोर कर रही हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी इसी को भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, देखते ये कब तक टिकता है मेरे साथ, मेरे माइंड में ये कब तक टिकता है। कुछ अच्छा होता था, हाँ ठीक है ये भी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो दिस वॉज माई विजन। सो इसलिए मेरे साथ कुछ भी होता था मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था, मैं उसको एक्सप्लोर करती थी। सिमिलरली आपका कुछ विजन होगा ना, कुछ मिशन होगा,
कि मुझे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, आप उसको लिंक कर दो आपके सीएस के साथ, आप सीएस की डिग्री अर्न कर लोगे तो आप पैसे भी कमा लोगे। या फिर आपका विजन हो सकता है मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर यू नो किसी ने आपको बोल दिया होगा कि तू तो कभी सीएस ही नहीं बन सकता, और आपको उससे एकदम ऐसा है कि नहीं अब तो मुझे सीएस बन के दिखाना है। तो ये सब कुछ आपके विजन हो गए, वो आप पेपर में लिख दो और आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा दो, या फिर आपके पूरे दीवार पे लगा दो जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती हो। उससे क्या होगा, जब कभी आपका मूड ऑफ होगा या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, आप वो विजन को देखोगे, आपके माइंड में इंस्टेंट केमिकल रिलीज होगा कि नहीं भाई पढ़। ये सब छोटी मोटी बातें होती रहती है, इससे क्या करना है मुझे तो वहाँ तक पहुँचना है, वो विजन तक पहुँचना। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और इंस्टेंट काम करती है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये वीडियो जैसे ही खत्म हो अपना विजन एक पेपर पर लिखना और चिपका देना। अब दूसरा चीज़ जो आपको करना है वो ये है कि देखो यार, जब कभी आपका मूड ऑफ हो, जब कभी आपका पढ़ने का मन ना करे, तब आप ऐसा तो नहीं लॉस लेके रह सकते हो ना कि यार मैं कुछ पढ़ूंगा ही नहीं। बिकॉज किसी के साथ ये चीज़ फ्रीक्वेंट होती होगी कि उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता होगा तो वो कुछ पढ़ेगा ही नहीं। सो इट्स बेटर कि हम कुछ सोल्यूशन निकालें, राइट। सो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो ना, मैं क्या करती थी, मुझे लोगों में रहना बहुत पसंद था, सो मैं मेरे रूम में पढ़ा करती थी, ठीक है। मैं क्या करती थी, मैं मेरे रूम से वो बुक वुक उठा के सीधा रूम में जाती थी, हॉल में, और सोफे पे बैठ के पढ़ती थी, और पूरा नहीं पढ़ती थी, स्कैनर पढ़ती थी, ठीक है। स्कैनर पढ़ना इज मोर इफेक्टिव देन आपका मॉड्यूल पढ़ना या आपका बुक पढ़ना, क्लासेस का नोट्स पढ़ना, और स्कैनर पढ़ना इज मोर इजी देन ऑल ऑफ दैट, सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव भी है। और जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता तब तो ये इतना काम आता है ना, ट्रस्ट माई वर्ड्स, आपको इतना मज़ा आ जाएगा ये पढ़कर। अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो पास्ट पेपर्स का लिंक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिया था, इस वीडियो में भी दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन पर, वो सॉल्व कर लो, वो देख लो। अकेले में नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो हॉल में जाके पढ़ो, या फिर नीचे बिल्डिंग के फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ो, पढ़ो, बट ऐसे टाइम पे डोंट बी लाइक कि हाँ मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सो स्कैनर सॉल्व करो, एकदम क्विक हो जाएगा, ज़्यादा माइंड में प्रेशर भी नहीं आएगा और आपका इफेक्टिव स्टडी भी हो जाएगा। अब समझो कुछ ज़्यादा ही सीरियस बात हो गई है, आपको पढ़ने का बिल्कुल एकदम हद पार हो गए, मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हो, गार्डन चले जाओ, वॉक पे चले जाओ। आपके आई गेस अभी तो कोविड का टाइम है तो गार्डन्स बंद हो गए, तो हाँ वॉक पे जा सकते हो, नीचे वॉक पे चले जाओ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क पहन के चले जाओ चाहिए तो। एक्चुअली गार्डन बेस्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं और रिलैक्स होकर सोच सकते हैं कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना। सो बट कोई बात नहीं, अगर कोविड में आपका बंद है तो आप एक काम करो, आप वॉक कर लो, और वॉक करते करते यू हैव टू यू नो ऑब्जर्व करो, अपने अंदर की दुनिया से बाहर आओ, थोड़ा अपने थॉट्स के शोर से बाहर आओ, बस ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कितने झाड़ आपने देखे जाते हुए, कितनी गाड़ियाँ आपने नोटिस करी, कितने लोग चल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब पे ऑब्जर्व करो। और देखो जैसे ही आप घर आओगे ना, आप बहुत फ्रेश फील करोगे, आप एकदम ठीक हो जाओगे, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है, ठीक है। मैं ऐसा करती थी, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल होता था कि मेरा पूरा मूड ठीक हो जाता था, मेरा मूड ऑफ एकदम ज़्यादा होता है, मैं घर से चली जाती थी, वॉक करती थी, गार्डन में जाके बैठती थी और रिलैक्स फील करती थी। सो ऐसे पे आप ये कर सकते हो। और चौथी चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये है, जब कभी आपका पढ़ने का मन ना करे तो यार रिवाइज ही कर लो, ठीक है। ऐसे टाइम पे अपने को लॉस कम करना है कि हमारा कुछ पढ़ाई ना हो, कुछ ना से अच्छा कुछ रिवाइज कर लो। आपने आपके नोट्स बनाए होंगे ना कुछ, जो कभी सालों से आपने हाथ ही नहीं लगाया उसको उठा लो और वो पढ़ते बैठो, या फिर आपने इंडेक्स मैपिंग किया होगा, माइंड मैपिंग बनाया होगा, उसका कुछ कर लो, वो पढ़ लो, क्योंकि वो भी तो आपको रिवाइज करना ही है। जो आपने कल पढ़ा वही रिवाइज कर लो दिन में। मैंने तो आपको बोला है एक टाइम आपको ऐसा रखना जहाँ पे आप सिर्फ रिवाइज करोगे, तो उस टाइम पर आप सिर्फ रिवाइज कर लो, हल्का फुल्का पढ़ो, बट बस पढ़ाई से कनेक्टेड रहो, ठीक है। ये कोर्स उसी के लिए इजी है जो पढ़ाई से कनेक्टेड है, जो पढ़ाई से इन्वॉल्व है, उसके लिए नहीं है जो बहुत मेहनत करता है। क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो, बट आप समझ लो 2 घंटे बहुत मेहनत कर रहे हो, फिर 2 दिन तक कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप दिन में बस थोड़ा पढ़ो, बट कंटिन्यूस पढ़ो, हर रोज़ पढ़ो, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एंड गाइस, मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो हो वो इंडेक्स मैपिंग या माइंड मैपिंग पे हो, सो आई डोंट नो इफ आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस और नॉट, बट अगर आपको चाहिए कि मैं इंडेक्स मैपिंग और माइंड मैपिंग पे वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो कि आपको इस पे वीडियो चाहिए, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू ऑल, मैं बिल्कुल बना दूंगी, बट आज रात तक बता दो बिकॉज मुझे सुबह शूट करना है वीडियो, ठीक है।
एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड ये सीरीज से आपकी बहुत हेल्प हो रही हो. सो यस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल. बाय, बेस्ट ऑफ लक.